मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। यहाँ पर Redmi 10 Prime यूजर्स के लिए इंडिया में एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का जो है अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जैसे ही अपडेट मिला यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल आने लगा कि यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट कहाँ गया, तो सारी जानकारी इस वीडियो अंदर यहाँ पर दी जाएगी। तो एक बार बस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, Redmi 10 Prime यूजर्स जितने भी है सेम इसकी कहानी Redmi Note 10 एंड Note 10s यूजर्स की तरह हुई है। अगर आपको मैं याद दिला दूं यहाँ पर Redmi Note 10s यूजर्स के Redmi Note 10 के यूजर्स की, तो उनको जो है ना यहाँ पर 15 अप्रैल को एक अपडेट रिलीज हुआ था MIUI 13 और Android 12 का। उससे 15 दिन पहले जो है यहाँ पर एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज कर दिया गया था। और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अभी कई सारे वीडियोज़ में बोले हैं, जिन डिवाइसेज में MIUI 13 का अपडेट आने हैं उनसे पहले एक छोटा मोटा सिक्योरिटी पैच का अपडेट दे ही देते हैं यहाँ पर कंपनी वाले। और सिर्फ Xiaomi नहीं कर रहा है, ये Realme और Samsung भी कर रहा है, क्योंकि मैं Realme Samsung की भी न्यूज़ इस चैनल पर देता हूँ, तो मेरे को पता है यहाँ पर किस तरह के अदर ब्रांड्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। Realme वालों का सिस्टम ये चल रहा है कि वहाँ पर एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज करते हैं, फिर 1 वीक बाद जो है वो अर्ली एक्सेस का Android 12 का अपडेट रिलीज करते हैं। Xiaomi के केस में भी लगभग उसने ऐसा ही किया है। Xiaomi ने कि यहाँ पर अपने कुछ डिवाइसेज के अंदर, सभी डिवाइसेज में नहीं, लगभग यहाँ पर Realme जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% डिवाइसेज में ऐसे काम करता है, बट यहाँ पर Xiaomi जो है अभी सिर्फ 3 डिवाइसेज के अंदर ही ऐसे काम किया है, जिसमें यहाँ पर पहला Redmi Note 10 था, Redmi Note 10s एंड Redmi 10 Prime। तो यहाँ पर Redmi 10 Prime के लिए जो अपडेट रिलीज हुआ यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का, उसका वर्जन है MIUI 12.5.10.0 RKUINXM। ये पूरा बिल्ड नंबर है, 54 MB का जो है अपडेट है जिसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये अपडेट है इसके अंदर आपको सिर्फ जुलाई 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया गया और कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर आपके पास Redmi 10 Prime है तो चेक कर लेना, अभी मी पैलेट को मिला है, 2 से 3 दिन में जो है पब्लिकली रोल आउट भी हो जाएगा। तो अभी जो ये अपडेट है ना इसके अंदर आपको सिर्फ जुलाई का सिक्योरिटी पैच है और इसमें कुछ नहीं है। हालांकि जो MIUI 13 अपडेट आएगा उसमें भी जुलाई का ही सिक्योरिटी पैच रहेगा, बट उसमें MIUI 13 का जो है ना लोगो लग जाएगा और Android 12 का थोड़े बहुत जो है यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर जो है MIUI 13 का क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि यहाँ पर Redmi Note 10 में भी ऐसा किया गया, Redmi Note 10s में भी ऐसा किया गया। 27 जून को जो है Redmi Note 10s के लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट रिलीज हुआ, फिर उसके बाद जो अभी 5 जुलाई को जो है लेटेस्ट MIUI 13 Android 12 का अपडेट रिलीज हुआ, लगभग एक वीक के बाद ही मान के चलिए यहाँ पर। तो इसी तरह सेम यही है कि कम से कम 2 वीक्स तो मान के चलो यहाँ पर 20-25 जुलाई तक जो है कम से कम यहाँ पर अपडेट रिलीज होगा आपके Redmi 10 Prime के लिए इंडिया में। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेट हो चुका है। इस डिवाइस को फर्स्ट बैच में ऐड करा गया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है टेस्टिंग में जो है इसको यहाँ पर डिले कर दिया गया। और MIUI 13 अपडेट के लिए जो है यहाँ पर एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच की अपडेट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, तो इस कारण जो है एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया गया, ताकि नेक्स्ट अपडेट को आराम से हैंडल करा जा सके और लेटेस्ट वर्जन में किया जा सके। उससे क्या हुआ कि आपको जो अपडेट है थोड़ा जल्दी देखने मिल जाएगा और लेटेस्ट अपडेट रन नहीं कर रहा होगा तो लगभग यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि 10-15 दिन फालतू लग सकते हैं, ऐसे और ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि जिनके डिवाइसेज में अभी ये 12.5.10.0 का जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है, जिनके डिवाइसेज में यहां पर 12.5.10.0 मिल चुका है वो लोग अपडेट कर लीजिए, फिर अगला जो अपडेट है वो आपके लिए MIUI 13 का होगा, जो कि आपको तकरीबन जो है यहां पर 20 से 25 जुलाई के आसपास यहां पर देखने को मिल जाएगा, बट मिलेगा वो इसी महीने के अंदर ही यहां पर रिलीज करा जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट महीने तक यहां पर जाएगा, हम लोग के हाथ में नहीं है, पहले बता रहा हूं। यहां पर Xiaomi ने खुद ने ऑफिशियल एक चीज बताना कि यहां पर लोग दोष देते हैं कि यूट्यूबर ने गलत बताया यहां पर Redmi 10 Prime के बारे में। चलो हमने गलत बता दिया, क्या Xiaomi जो कंपनी उसने सच बोला? यहां पर Xiaomi ने इस डिवाइस को फर्स्ट बैच में ऐड करा था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कि मार्च के महीने तक रिलीज होगा, तो क्या मार्च के महीने में Xiaomi ने अपना प्रॉमिस को निभाया यहां पर? तो ये जो है ना एक क्या होता है कि YouTube के ऊपर ऐसी बहुत वीडियोस है जो गलत गलत यहाँ पर टाइमलाइन शेयर हो रही है, इस कारण जो है लोगों के मन में जो सच यूट्यूबर भी होगा जो सही बताएगा बिना, लोग उस पर यहाँ पर भरोसा नहीं करेंगे। पर कोई नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पर अब लोगों का काम है, यहाँ पर अब कई लोगों को समझाना मुश्किल होता है, तो अब मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। बस लास्ट आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है ये आपको सबको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, इसी महीने के एंड तक जो है अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा। तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, आपके लिए काम किया जा रहा है। फिर प्रॉब्लम दे देते हैं तो फिर कहते हैं आप लोग यहाँ पर अपडेट में ज़्यादा बग्स है, प्रॉब्लम है, अपडेट नहीं करना है। जैसे अभी Mi 11i वाले जो है काफ़ी टाइम से परेशान थे कि अपडेट दो, हालांकि उसमें से 10% लोगों का ये कहना है कि अपडेट यहाँ पर बहुत बेकार है। अब Redmi 10 Prime के अंदर जो ऐसा अपडेट दे दिया जिसमें प्रॉब्लम, फिर आप लोग कहोगे यार अपडेट बहुत बेकार है, करना ही नहीं चाहिए। ना दो तो भी गलत है, दो तो भी गलत है, करें तो करें क्या यहाँ पर? तो आपको बस एक ही करना है, वेट करो, आपके लिए काम चल रहा है यहाँ पर अपडेट का। अगला अपडेट MIUI 13 का मिल जाएगा, जुलाई एंड तक ही देखने को मिलेगा, और जैसे आएगा आपको YouTube के ऊपर वीडियो बना के बता दीजिएगा फीचर्स वगैरह के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ बस नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट मिला कि नहीं मिला। जय हिंद।